वेलकम डियर फ्रेंड, आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ प्लास्टिक बोतल को लेकर। जो प्लास्टिक की बोतल होती है हमारे घरों में आती रहती है, कभी पेप्सी की या तेल की या कोई सी बोतल होती है, और हम फेंक देते हैं उसे खाली हो जाने के बाद। देखिए बहुत ही अच्छे से यूज बताने जा रही हूँ मैं आपको, तीन यूज बताऊँगी आज, ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ऑयल की बोतल इकट्ठी कर रही थी काफ़ी दिनों से, तो इनका मैं आपको बहुत अच्छे से रीयूज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन बोतलों को ना कट करना है। और ये टिप है ना, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, सभी लेडीज़ों के बहुत ज़्यादा काम आएगी ये, और बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मुझे कौन सी वाली टिप्स आपको सबसे अच्छी लगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये बोतल कट कर ली है, नाप के कट करना है, यानी कि हमें चार चाहिए ये, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। लेकिन अभी सबसे पहले टिप जो है वो चार बोतलों से बनाने वाली हूँ मैं, जो भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए चार हिस्से मैंने कट कर लिए हैं, आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, सफ़ेद टेल्स के साथ चमक नहीं रहा। तो यहाँ पर देखिए आप, ये चार मैंने कट कर लिए हैं। देखिए अब यूज़ कैसे करना है, हम इसे यूज़ करेंगे फर्नीचर में। जैसे हमारे घर में कुर्सी होती हैं, प्लास्टिक की हो लकड़ी की हो, तो उसमें आप ना चारों जो पैर होते हैं उसके उसमें लगा के रखिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके टेल्स पर ना स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, और जैसे निशान पड़ जाते हैं, लाइन से खींच जाती है, तो वो इससे नहीं पड़ेंगे। तो चारों पैर में कुर्सी के आप इस तरीके से लगा के रखिए इसे, और फिर कहीं पर भी हिलाओ डुलाओगे तो स्क्रैच नहीं पड़ने वाले हैं। या जैसे फोल्डिंग होता है हमारे पास, उसके पाइप होते हैं नीचे से लोहे के, तो वो खोद देते हैं, यानी कि नीचे से गड्ढा भी कर देते हैं, तो उसमें लगा दीजिए आप। और अपने हिसाब से आप इसे बेड में भी लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है फ्रेंड ये। अगली टिप्स है, इस तरीके की जो पोलोथीन होती है हमारे घर में सब्जी वाली, तो उसमें हमारे घर में कुछ ना कुछ आता रहता है, जैसे दाल हुई या कोई भी चीज़ें हुई वो आती रहती हैं। तो सबके पास नहीं होते हैं इतने डिब्बे के हर दाल के लिए अलग डिब्बा यूज करें, हर चीज़ों के लिए काफ़ी सारे डिब्बे यूज करें। तो आप बोतल का मुंह ना ऊपर से थोड़ा सा कट करके रख लीजिएगा, ये इस तरीके से जितनी भी आपको ज़रूरत है उतनी बोतलों से आप बना सकते हैं। फिर आप पोलोथीन पे इस तरीके से लगाइए जैसे मैंने लगाया है, और आप देखेंगे ना इसमें इजीली सारी चीज़ें निकल भी जाती हैं। यहाँ पर देखिए ये राजमा है, तो मैं आपको राजमा ही दिखा रही हूँ, तो ईजिली इसमें से निकल भी जाएगी, और अगर आप इसमें दोबारा से डालोगे ना तो वो दोबारा से चली भी जाती है। तो बहुत अच्छी सी टिप्स है फ्रेंड ये, बहुत ज़्यादा काम आती है। इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको ना अलग से डिब्बे वगैरह स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किचन में, और आपका किचन भी खाली रहेगा, और आपका इस तरीके से दाल या जो भी चीज़ है वो भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और फिर आप इसे कहीं पर भी टांग दीजिए, आराम से टंग भी जाता है। अगली टिप्स है फ्रेंड, इस तरह की बोतल होती है पतले मुँह वाली, इसका तो थोड़ा चौड़ा मुँह है, लेकिन इससे ही पतले मुँह की बोतल होती है। अब उसमें हम कोई चीज़ डालते हैं लिक्विड वाली, तेल हुआ या पानी हुआ, छाछ मट्ठा कुछ भी दूध, तो वो जल्दी से इसमें जाता नहीं है, जाता है तो आधा नीचे और आधा बोतल के अंदर जाता है। तो आप इस तरीके से इस बोतल को जो कट की थी इसे लगा के रखिए, और फिर आराम से आप इसमें पानी वगैरह डाल सकते हैं।